कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के यंग एस्पायरिंग एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की है। इस वीडियो में हम आपको कार्तिक आर्यन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। ग्वालियर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप कार्तिक को बचपन से ही शाहरुख और अक्षय कुमार की फिल्म्स एक्टिंग करने के लिए इंस्पायर किया करती थी। पर सिंस कार्तिक एक डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके फादर एक पीडियाट्रिशियन और उनकी मदर एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो इसी वजह से वो फैमिली को कभी अपने एक्टिंग के पैशन के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि उनकी फैमिली भी यही चाहती थी कि कार्तिक बड़े होकर एक डॉक्टर ही बने। कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि ग्वालियर में रहते हुए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक एक्टर कैसे बना जा सकता है, और जब भी मैं किसी को बताता था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं, तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैंने कभी अपनी फैमिली को अपने एक्टिंग एम्बिशन के बारे में नहीं बताया। कार्तिक ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक्टर बनने के लिए उन्हें किसी भी तरह मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। इसीलिए कार्तिक ने ग्रेजुएशन के बहाने मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज में एज अ बीटेक स्टूडेंट एडमिशन लिया, और यहीं से ही कार्तिक की एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। मम्मी पापा को बोलते कि इंजीनियरिंग करने के बहाने से बॉम्बे आए, बट मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाता था। पहली चीज जो मेरे टीचर ने मुझसे पूछी थी, उन्होंने पूछा मेरा नाम बता दो तो वो तुम्हारा एग्जाम है क्लियर हो जाओगे। तो मैं इतना फेमस हो गया था ना आने के लिए कॉलेज में, बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज इनटू कि मेरे को एक्टर बनना है। स्ट्रगल स्टोरी। मुंबई आने के बाद कार्तिक को रियलिटी चेक मिला, जहां उन्होंने देखा कि उनकी तरह कई शहरों से यहां लोग आके स्ट्रगल करते हैं। कार्तिक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्हें एक्टर बनने के लिए किसे अप्रोच करना चाहिए, तो उन्होंने पहले मॉडलिंग में ट्राई किया, पर फाइनेंसिस की कमी के कारण वो कुछ महीने ही मॉडलिंग के फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाए। फिर उन्होंने एक्टिंग कोर्सेज और वर्कशॉप में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पर मुंबई जैसी सिटी में एक्टिंग सीखने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, जो कार्तिक के पास नहीं थे। तो उसी दौरान एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में कार्तिक इंटरव्यू देने गए, जहां उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी को देखकर उन्हें बिना कोई फी दिए ही सिलेक्ट कर लिया गया। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद कार्तिक ऑडिशंस देने जाया करते थे, पर हमेशा ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। कार्तिक ने बताया कि सबसे ज्यादा बुरा तो उन्हें तब लगा जब बिना ऑडिशन लिए उनकी शक्ल देखकर ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर एक डेढ़ साल तक ऑडिशंस और कॉन्टेक्ट बनाने के बाद उन्हें एक फिल्म में रोल ऑफर हुआ, पर वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। कार्तिक उसके बाद बहुत डिमोटिवेट हो गए और उन्हें लगा कि एक आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में ब्रेक पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग के साथ साथ अपने कॉलेज पे ध्यान देंगे और साइड बाय साइड कोई छोटे रोल्स के लिए ऑडिशन देते रहेंगे। फर्स्ट फिल्म। कार्तिक की लाइफ में वो दिन आया जब उन्हें प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए ऑडिशन में बुलाया गया। कार्तिक के लिए एक रैंडम ऑडिशन जैसा ही था, और उन्हें लगा कि यहाँ भी शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर भी उन्हें एक गट फीलिंग आई कि इस फिल्म का ऑडिशन देने जाना चाहिए। फिर जब कार्तिक ऑडिशन देने पहुंचे तो पहले उनकी कुछ फोटोज खींची गई और फिर उनका ऑडिशन लिया गया। कार्तिक के मुताबिक उनका ऑडिशन अच्छा गया था, पर उन्हें उसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही कुछ दिन के बाद कार्तिक की फोटोज पे कास्टिंग डायरेक्टर की नजर पड़ी और उन्हें लगा कि कार्तिक का ऑडिशन दोबारा लेना चाहिए। कार्तिक के कई ऑडिशंस लिए गए, पर फिर जब उन्होंने फिल्म का फेमस मोनोलॉग का सीन एनेक्ट किया तो उन्हें फाइनली फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। कार्तिक उस दिन को अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन मानते हैं। ऑडिशन में सिलेक्शन की खबर कार्तिक ने अपने पेरेंट्स को बताई और कार्तिक जोर जोर से फोन पर ही रोने लगे। उन्होंने अपनी मदर को कन्फेस किया कि वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे और पिछले 2 साल से वो उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। प्यार का पंचनामा रिलीज हुई और ऑडियंस को बहुत पसंद आई, जिसके बाद ही कार्तिक का स्ट्रगलिंग फेज बॉलीवुड में खत्म हो गया। सक्सेस। प्यार का पंचनामा की सक्सेस के बाद कार्तिक को आकाशवाणी में भी कास्ट कर लिया गया, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा चल नहीं पाई। फिर उसके बाद उन्हें सुभाष घई की डायरेक्टेड कांची, प्यार का पंचनामा 2 और गेस्ट इन लंदन में देखा गया, पर उन्हें एक्चुअल सक्सेस 2018 की फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद मिली, जिसके बाद कार्तिक को एक सोलो लीड के तौर पर देखा जाने लगा। इस फिल्म की सक्सेस के बाद ही उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में घर खरीदा और अपने पेरेंट्स को भी यहां बुला लिया। कार्तिक का कहना है कि अपने स्ट्रगलिंग डेज में मैं 12 लोगों के साथ एक रूम में रहता था, रोज 4-4 घंटे ऑडिशंस के लिए अप डाउन करता था। आज जब मैंने अपने पैसों से अपना घर खरीद लिया, जहां मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकता हूं, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्ट्रोवर्सी। कार्तिक का करियर अभी किसी भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहा है, पर रिसेंटली स्टारडम अचीव करने के बाद उनके और करण जौहर के रिगार्डिंग न्यूज आना शुरू हुई, जहां बताया गया कि कार्तिक को करण जौहर ने 3 फिल्म्स की डील ऑफर की थी, जिसमें से पहली फिल्म गुड न्यूज के लिए उन्हें ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया गया था। पर ऑफिशियली साइन होने से पहले ही ये न्यूज लीक कर दी गई कि कार्तिक को करीना के साथ पेयर किया जाएगा। र्यूमर्स का मानना है कि करण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कार्तिक को फिर फिल्म में ही नहीं लिया, क्योंकि कार्तिक को सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया था। कार्तिक से जब इस कॉन्ट्रोवर्सी के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दैट्स ट्रू कि मुझे करण जौहर ने एक फिल्म ऑफर की थी, पर मैंने फिल्म को खुद रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर मुझ पे सूट नहीं करेगा, इसलिए मैंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और उसकी बजाय मैंने लुका छिपी साइन कर दी। करण और कार्तिक के रिलेशन अब बहुत सॉर्टेड नजर आते हैं, जहां कार्तिक करण के शो कॉफी विद करण में एज अ गेस्ट नजर भी आए, और कहना गलत नहीं होगा कि शायद फ्यूचर में कार्तिक धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म में एज अ लीड भी दिखाई दें। लुका छुपी
साइन करने के बाद पति पत्नी और वो लव आजकल में नजर आए। कार्तिक आर्यन ने धमाका मूवी से OTT में डेब्यू किया। इसके बाद आई कार्तिक आर्यन की अभी तक की सबसे बड़ी मूवी भूल भुलैया 2। भूल भुलैया 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था और उन्होंने इस रोल के साथ जस्टिस भी किया और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाकर सबका दिल जीत लिया। इसके बाद सेकंड OTT मूवी फ्रेडी आई। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो 2023 में शहजादा और सत्यनारायण की कथा मूवीज आने वाली हैं। फिलॉसफी सेलेब स्टेटस अचीव करने के बाद भी कार्तिक बहुत हम्बल और ग्राउंडेड रहने में बिलीव करते हैं। उनकी लाइफ की फिलॉसफी भी यही है कि अपने स्ट्रगलिंग डेज को वो कभी नहीं भूलते। ऑडिशंस के लिए जाता था, पूरी तैयारी के साथ जाता था और आपको हर बार कई बार अनफिट बोल देते थे, कई बार आपको बाहर मतलब काफ़ी ऑडिशंस ऐसे दिए, कई बार छुटपुट इधर उधर के एड्स भी किए जो आज तक रिलीज ही नहीं हुए, मतलब छोटी छोटी कंपनीज के किए। तो वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं और पैसे नहीं होते, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको थोड़ा सा तो लगता है कि यार रिसेप्शन में घर चला जाऊँ शायद से, तो एक्टिंग छोड़ दूँ। बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को वो वाला दिन भी देखे हैं मैंने एंड अभी मैं इधर पे हूँ। तो इसीलिए मेरे पास एक जर्नी है मेरी खुद की, जो मेरी जर्नी है एंड आई एम रियली हैप्पी कि एक जर्नी होनी चाहिए, लोगों को धक्के लगने चाहिए, उनको रियलिटी चेक मिलना चाहिए एंड उसी से आप ग्रो करते हैं, उसी से आप जहाँ हैं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ मेरे को अगर मेरे प्लेट पे सजा के सब दे दिया जाता तो मैं उस चीज़ की वैल्यू नहीं रखता। मैं इस चीज़ की वैल्यू रखता हूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कार्तिक इसलिए हर फैन को बहुत हम्बल वे में मिलते हैं और हर एस्पायरिंग यंग एक्टर को हमेशा मोटिवेट करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि किसी दूसरे पर्सन के रिजेक्ट कर देने की वजह से आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। अगर आप सच में टैलेंटेड हो तो आपको रिजेक्ट करना उनका लॉस होगा, आपका नहीं। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।